एंड काफ़ी लोग जानना चाहते हैं शादी हो कब रही है, तो ऐसा करते हैं लाइक टारगेट वाला गेम खेल लेते हैं। इस वीडियो पे 60,000 लाइक्स और जैसे ही पूरे होते हैं ना शादी की डेट, मैं और मुक्ति दोनों मिलके आपको बताते हैं। हेलो एमजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है, होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ चुका हूँ और उठने के बाद मैंने देखा कि मौसम जो है ना वो है सुहाना, तो मैंने सोचा इस मौसम में थोड़ा सा टहल लिया जाए, मतलब वॉकिंग कर ली जाए, क्योंकि ज़रूरी है। मतलब जो भी सिचुएशन हो चुकी हुई है ना मेरी, वर्कआउट ज़रूरी है, तो वर्कआउट वगैरह तो नहीं होएगा पर सैर तो कर सकता हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सा खुद को वॉक वॉक करवाते हैं और उसके बाद देखते हैं खाने में क्या होएगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ना सॉलिड रीज़न है जिसकी वजह से मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊँगा घर से। क्या रीज़न है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पर अभी थोड़ी वॉकिंग कर लेता हूँ। सुबह सुबह ना घर वालों ने लगाया होता है कीर्तन और कीर्तन के बाद में आती है कथा। सच्ची बोलूँ ना, मुझे इसमें समझ थोड़ा ही आता है बट जो पॉजिटिव फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। माता जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हाल चाल, ब्रेकफास्ट आज मैं करूँगा, मतलब कर लिया जाए ना, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, करोगे तो क्या खिलाओगे? मतलब कि लंच जो है ना वो मेरे दिन की पहली मील होती है। बट कल ना मेरे साथ हुआ केके, और केके का फुल फॉर्म है क्लोल और कांड का कॉम्बो ऑफर। एक्चुअली जहाँ पे हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ना वहाँ पे कल लेबर के लग गई चोट, उसके ना टाइल खुप गई थी बहुत ही ज़्यादा डीप, तो उसे इमरजेंसी लेके जाना पड़ा डॉक्टर के पास। और इमेजिन करो मैं खाली पेट हूँ, दोपहर के 3 बजे हुए हैं और भूख लगी है जोरों शोरों से, और उस टाइम पे मैं उसको लेके गया हूँ डॉक्टर के पास, और वहाँ पे उसके लग रहे हैं स्टिचेस, और जो स्टिचेस है ना वो नॉर्मल स्टिचेस से नहीं लग रहे, जैसे सुई धागा कपड़े नहीं सिलते वैसे वो बंदे को सिल रहे थे, और सच में उसके चीके निकल रही है सब कुछ। एंड वहाँ पे मैं खाली पेट वो सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे ना चक्कर आने वाली फीलिंग होगी वहाँ पे, क्योंकि नहीं देखा जा रहा था वो। एंड आई वाज लाइक कि जो मेरी इस टाइम पे सिचुएशन है ना, इस बेचारे बंदे को साइड करके ना मुझे लिटाना पड़ जाएगा, जो कि उस टाइम पे फिजिबल नहीं होएगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि जो ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो कर लिया जाए, सारा दिन ना एनर्जी रहती है, क्योंकि कोई पता नहीं कब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ जाए। आज ना मुझे ये लग रहा है जो गुड मॉर्निंग होती है ना वो कुछ इस प्रकार होती है, क्योंकि सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट हो चुका हुआ है, कथा भी सुन ली हुई है, और एक चीज़ जो आप जान के बहुत ही ज़्यादा हैरान होगे कि आज मैं वहाँ पे मतलब अपने नए घर पे काम से बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ, मतलब पापा से जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि पापा को यहाँ पे काम है, तो सुबह 9 बजे ही निकल पड़ा हूँ मैं काम से। कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुका हूँ यार मैं। बचपन से ना घर वाले कहते थे कि जल्दी उठा करो, जल्दी उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो भी आप अपने काम करने होते हैं एक दिन में हो जाते हैं, तो मतलब बातें बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं सुबह जल्दी उठने की। आज देखते हैं कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो चीज़, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा करने वाले। और अभी काम करवाने से पहले ना एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये चेक करो लकड़ी, ये मैंने स्पेशल खरीदी है अपने फर्नीचर के लिए, टालीवुड है, शीशम कहते हैं इसको, और ये जो आप चेक कर रहे हो ना मतलब ये खराब सा पीस लग रहा है आपको, मैंने सोचा था इसके साथ ना बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक काम करूँगा, इसके अंदर ना इपॉक्सी वगैरह फिल करके और इसका एक अच्छा सा टेबल बनाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा वो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कोई इपॉक्सी भरने वाला बंदा नहीं मिल रहा है। बट जो भी है एक्सपेरिमेंट मारते हैं खुद फर्नीचर बनाने का, एंड देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट टू बी, क्योंकि जो रेडीमेड फर्नीचर मैं देख रहा था ना मतलब टेबल वगैरह मुझे कोई पसंद नहीं आया, मैंने सोचा खुद ही मारते हैं ट्राई, जो विजन में है उसे थोड़ा देखते हैं प्रैक्टिकली हो पाता है या नहीं। One eternity later. अभी फिलहाल बज रहे हैं 5 और सच्ची बोलूँ ना आज वाट लगी हुई है, पर अभी भी मुझे पता है जाना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। एक्चुअली मुझे ना अपने भाई से ही मिलना है, मतलब दोस्त है पर भाइयों जैसा है, और आज एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करने वाला हूँ, शादी का जो फोटोग्राफर है ना वो बुक कराने जा रहा हूँ, मतलब ये पहला स्टेप है शादी की तैयारी करने के लिए। ओए होए बोल के ही ना टेंशन होने लगी हुई है कि मेरी शादी होने वाली है, एंड काफ़ी लोग जानना चाहते हैं शादी हो कब रही है, तो ऐसा करते हैं लाइक टारगेट वाला गेम खेल लेते हैं।
इस वीडियो पे 60,000 likes, 60,000 likes, और जैसे ही पूरे होते हैं ना शादी की डेट, मैं और मुक्ति दोनों मिलके आपको बताते हैं। एंड इवन दो आज का जो दिन है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट उस चीज़ का ना कोई गम नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जो प्रोडक्टिविटी हुई है ना, ओए होए 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 भाई साहब, इतने ज़्यादा काम हुए। अब मुझे ये नहीं पता वो काम हुए किस वजह से है, कि सुबह जल्दी उठने की वजह से या किस्मत अच्छी थी, पर अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ मैं अपने भाई के घर पे यहाँ पे, तो जरा पापा मारते हैं और उसके बाद जाके फिर आपको बताते हैं कि क्या नतीजा निकला फोटोग्राफर वाला। मैंने पता क्या सोचा था कि मैं फोटोग्राफर साहब को ये चीज़ बताऊँगा कि ये डेट है और इस दिन के लिए मतलब टीम टूम वगैरह अरेंज कर दो, बट आज कल के जो फोटोग्राफर है ना, मतलब एक बार गौर से शक्ल देख लो इनकी, मतलब इन्होंने क्वेश्चन तैयार किए होते हैं, क्या चीज़ होनी है, कैसे होना है, कॉस्ट्यूम क्या है, फलाना क्या है, ढमकाना क्या है। मैं तो पहले ये हैरान कि अभी तो मैंने पहला स्टेप लिया था कि आपसे आगे पूछूंगा, सलाह लूंगा, सब कुछ, इन्होंने तो मुझे MCQ वगैरह में फेल ही कर दिया हुआ है। ये गलत बात है, बाकी लोगों के बर्थडे पार्टियाँ, मुंडन और कौन से फंक्शन कैप्चर करते हो, जेड़ा मर्जी करा लो सर कर दी। पर एक चीज़ है, फोटोग्राफर जो है ना अपना महंगा बहुत ज़्यादा है, और इंस्टाग्राम है ना इनका साथ में टैग करता था, एक बार जाकर फोटो वगैरह चेक करो, और खुद अगर शादी वगैरह करवा रहे हो या किसी की करवा रहे हो एक बार सलाह ले लेना पाजी। ओए होए 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 होए, ऑलमोस्ट 2 घंटे ना मैं पाजी के साथ बैठा हुआ था, डिस्कशन वगैरह कर रहा था, उनकी सलाहें ले रहा था कि क्या क्या अरेंजमेंट्स वगैरह मुझे करने चाहिए, कैसे करने चाहिए सब कुछ, क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है, ही विल गाइड मी द बेस्ट। तो वो बता रहे थे कि तुझे बाकी अरेंजमेंट भी ना जल्दी करने चाहिए, क्योंकि जिस डेट की मेरी वेडिंग है ना उस डेट की उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आई हुई हैं, मतलब कि उस डेट पे काफ़ी लोग शादी करा रहे हैं। सो आज मैंने पहला स्टेप लिया है और मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मुझे बाकी के स्टेप भी ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी लेने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है। एक्चुअली मैं और मुक्ति ना इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हुए हुए हैं ना कि हम अपनी वेडिंग के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो हमें सोचना चाहिए, अब हाई टाइम है सोचना चाहिए। और आप लोग सोचोगे शादी बहुत ही ज़्यादा पास है या कुछ, तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इतनी ज़्यादा पास नहीं है, सर्दियों में है तो लगा लो हिसाब, सर्दियों में। अभी ना मैं मुक्ति को फ़ोन करूँगा एंड देखते हैं, अगर वो फ्री है तो उसके पास चलते हैं, और जो मेरी टेंशन है थोड़ी सी मैं उसके साथ डिवाइड करता हूँ, और उससे भी बोलता हूँ कि बेटा अरेंजमेंट्स वगैरह करने ना शुरू कर दो, बाद में भागदौड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आजो जी वेलकम जी, आपके लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है और एक बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ है। पहले बैड सुना दो। बैड न्यूज़ ना कुछ इस प्रकार है कि हमें शादी की अरेंजमेंट्स वगैरह थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये थी ना कि मैंने शादी का फोटोग्राफर कर दिया बुक। हाँ मुक्ति, एक और चीज़, मैंने ना इस वीडियो पे लाइक टारगेट दिया है 60,000 likes का। अच्छा। कि अगर 60,000 likes आ गए तो हम अपनी वेडिंग डेट, ये ना अनएक्सपेक्टेड ही करती है, मुझे लगा कि ये ना बोले कि क्यों बता रहे हो फलाना ढमकाना। चलो अच्छा अच्छा, तू सच्ची में ना लड़कियों को कोई नहीं मतलब जज कर सकता, 365 नारा दे गल 16 आने सच तरीके वाला कह गया, ये फैक्ट है सच्ची में। लड़कियों में ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कहीं नहीं पता चलता है कब गुस्सा चढ़ता है कब खुशी हो जाए। कभी प्यार भी चढ़ा लिया करो। वो नहीं चढ़ता, बस उसको छोड़ के सब चढ़ जाता है। चुड़ैल चुड़ैल तो सबसे ज्यादा चढ़ती है, जब गुस्सा होता है तब भी, और जब मैं हंसती हूँ तब भी। अच्छा एक और चीज, एक और अच्छी न्यूज ये है, हमारा जो नया वाला घर है उसके पर्दे जो है वो रेडी हो चुके हुए हैं, तो अभी जाके वो पिक कर लेते हैं एक बारी। हाँ अभी पिक कर लेते हैं फिर लगाएंगे नए नए पर्दे। ना हमने ले लिए थे बट अभी आपको फिलहाल ना दिखाएंगे नहीं, क्योंकि घर की जब रिवील वगैरह करनी है उसी में दिखे तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। और अभी मुक्ति मैडम मैंगो की शकीन आ गई है, मैंगो शॉपिंग पे। आम को नजरें लगाते रहो तुम फालतू में। हाँ तेरे आम, इसके आम ही है, उंकार उंकूर से इसको कोई लगाव नहीं है, इसके लिए जो पहला प्यार है वो आम है। मॉल वाले प्राइस नहीं महंगे, मतलब तुमने प्यार को ठुकरा देगी पैसों के चक्कर में, ठुकरा दिया। पैसा बहुत बड़ी चीज है। कैमरे की वजह से ना दो चीजें होती हैं, या तो आपको फ्री में चीज मिल जाती है या फिर आपको बहुत ही ज्यादा महंगी मिल जाती है। अगर पंजाब में हुए और किसी रेस्टोरेंट में जाए और उनका व्लॉग वगैरह बनाए, एक वीडियो नॉर्मल सी बनाए, भाई साहब आपसे मुफ्त में खा जाओ। हाँ क्योंकि पंजाब में खातिरदारी होती है पूरी अच्छी, पर कोई शहर में जाओ अगर और फिर आप
कैमरे के साथ जाओ तो रेट दुगना तिगना कर देते हैं। जी मैं यार ये बहुत महंगे आम है, मुझे बड़ा बुरा लगा। मम्मी ने स्पेशल कहा था तो आम लेके आना, पता है कितने रुपए किलो मिलते हैं वैसे? वो मैं बता रही हूँ, मैंने जब अभी लिए थे तो 100 रुपए के 3 किलो, ज्यादा 2.5 किलो दे दो। A few moments later. अभी फिलहाल जो टाइम हो रहा है ना वो है 9:30 और मैं सुबह 9 बजे से ना घर से निकला हुआ हूँ, 12 घंटे से ऊपर हो चुके हुए हैं। एंड तुम 9 बजे से निकले हो, मैं 8:30 बजे से निकली हुई। आधा घर आई थी ना पहला, मैं घर आई थी और तब तुमने मुझे पिक कर लिया। चलो ठीक है, पर तेरा घर का एक स्टॉप होगा ना, मेरा वो भी नहीं हुआ। और अभी मैं और मुक्ति काफी गेड़िया मार के और बातें करके अपने शादी वगैरह से रिलेटेड वापस आ चुके हैं घर, और टाइम हो चुका है करने का तुझे टाटा बाय बाय। और इसी के साथ साथ ना आपको भी मैं टाटा बाय बाय कर देता हूँ। आज का जो व्लॉग है ना वो यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। लाइक टारगेट आपको पता ही है 60,000, फिर डेट हम दोनों बताएंगे। हाँ, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज कर दो भाई। 4 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते तो मुझे जीजा बोल रहा है। ओ या, अब तक 4 लाख नहीं हुए? नहीं हुए। शर्म शर्म कर दो, कर दो प्लीज, कर दो। बाय।